वेलकम टू बेज एकेडमी बच्चों, आज मैं आपको करवाने वाली हूँ सेकंड यूनिट एस ब्लॉक एलिमेंट्स का इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स। पहला है हमारा लिथियम क्लोराइड, सेकंड वन इज लिथियम हाइड्राइड, थर्ड वन इज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, फोर्थ वन इज सोडामाइड एंड फिफ्थ वन इज माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट। इसके बचे हुए हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। लिथियम क्लोराइड, हम इनकी प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज, यूजेज और स्ट्रक्चर देखेंगे। अगर हम लिथियम को क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमारा लिथियम क्लोराइड हमें बन जाता है। सेकंड, अगर हम लिथियम हाइड्रोक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो लिथियम क्लोराइड मिल जाएगा विद वाटर। अगर हम लिथियम कार्बोनेट को HCl के साथ रिएक्ट कराते हैं तो लिथियम क्लोराइड वाटर और CO2 गैसेस में से निकल जाती है। हम इसको लिथियम सल्फेट की रिएक्शन बेरियम क्लोराइड से करा के भी प्राप्त कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज, ये व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, मोस्ट डेलिक्यूसेंट सब्सटेंस होता है, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में जैसे कि अल्कोहल और ईथर में सोल्यूबल होता है, मोर वोलेटाइल होता है। इसका प्रिपरेशन, इसकी जो यूजेज है वो प्रिपरेशन ऑफ मेटल बाय इलेक्ट्रोलिसिस में होता है, इन एसी प्लांट्स फॉर कंट्रोलिंग द ह्यूमिडिटी इन एयर में होता है, एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ वेल्डिंग फ्लक्स। इसका स्ट्रक्चर हमारा है ये LiCl का, जो स्ट्रक्चर है हमारा वो ये है कि Li यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देता है किसको, Cl को, तो ये क्या है हमारा आयनिक कंपाउंड। सेकेंड वन इज लिथियम हाइड्राइड, ये हमारा मोस्ट स्टेबल कंपाउंड है। अगर हम लिथियम को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराते हैं अराउंड 700 डिग्री सेल्सियस पे तो हमें लिथियम हाइड्राइड मिलता है, और अगर हम लिथियम नाइट्राइड के रिएक्ट कराते हैं हाइड्रोजन पे तब भी हमें लिथियम हाइड्राइड मिलता है विद नाइट्रोजन गैस। प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, व्हाइट सॉलिड होता है ये, इसका हाई एमपी होता है और हाई इलेक्ट्रिकल इसकी कंडक्टिविटी होती है। इसका स्ट्रक्चर है हमारा Li और ये हाइड्रोजन के साथ ये भी हमारा आयनिक हाइड्राइड है लाइक लिथियम क्लोराइड। नेक्स्ट है हमारा सोडामाइड, सोडामाइड को अगर हम सोडियम रिएक्ट, अगर हम सोडियम पे अमोनिया गैस पास करवाते हैं अराउंड 300 टू 4 डिग्री सेल्सियस तो हमें सोडामाइड मिलता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। ये वाइट वैक्सी सॉलिड है, एमपी इसका 210 डिग्री है। अगर हम इसे देखें सोडियम जो हमारा सोडामाइड है अगर हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा तो सोडियम हाइड्राइड दे देगा विद अमोनिया, अगर CO के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो सोडियम साइनाइड सोडियम हाइड्रोक्साइड विद अमोनिया, अगर CO2 के साथ गैस रिएक्ट करेगा तो सोडियम कार्बोनेट CnNH2 ये हमारा साइनामाइड है विद वाटर, और अगर वाटर के साथ रिएक्शन करेगा सोडामाइड तो सोडियम हाइड्रोक्साइड विद अमोनिया, और ये हमारा है इसका स्ट्रक्चर NaNH2। नेक्स्ट वन है हमारा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, आप सभी लोग जानते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो एक तो यूज इसका स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट में होता ही है। अगर हम लिथियम हाइड्राइड की रिएक्शन एल्यूमिनियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम ब्रोमाइड के साथ करवाएं तो हमें दोनों ही केस में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड मिलता है, और लिथियम क्लोराइड लिथियम ब्रोमाइड हमें क्या मिलते हैं, ये हमारे सेटल डाउन हो जाते हैं, फिल्ट्रेट मिलते हैं, इसको हम इवेपोरेट कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज है इसकी, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, सोल्युबल इन ईथर है, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज है, रिड्यूसिंग एजेंट है। जैसे अगर हम एल्डिहाइड का रिडक्शन करवाएं इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड तो हमें क्या मिलेगा, अल्कोहल मिल जाएगा, CHO ग्रुप का कन्वर्ट हो जाता है हमारा अल्कोहल में। यूजेस क्या है, इन द प्रिपरेशन ऑफ नंबर ऑफ इनऑर्गेनिक हाइड्राइड्स जैसे कि डाइबोरेन है, सिलिकॉन हाइड्राइड है, टिन हाइड्राइड है, फॉस्फीन है एक्सेट्रा में, इससे ये इजीली हमें गेट हो जाते हैं। स्ट्रक्चर है हमारा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का ये। नेक्स्ट है हमारा माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट, माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट का नाम क्या है हमारा, सोडियम अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, सोडियम अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, 4 हाइड्रो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं इसमें, ये हमारा इसका स्ट्रक्चर है। प्रिपरेशन अगर हमें करना हो तो सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट की अमोनियम क्लोराइड से रिएक्शन कराएंगे और हमें हमारा माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट मिल जाता है विद NaCl। NaCl को क्या कर देते हैं हम, फिल्ट्रेट के थ्रू रिमूव कर सकते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, ये कलरलेस निडल शेप्ड क्रिस्टल होता है, जैसे कि ये हमारा है कलरलेस निडल शेप क्रिस्टल, अगर हम इसे हीट करें तो हमें सोडियम मेटाफॉस्फेट मिलता है विद वाटर एंड अमोनिया। यूजेज क्या है, इन द क्वालिटेटिव एनालिसिस में इसका यूज करते हैं, और हम सोडियम मेटाफॉस्फेट को मेटालिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवा दें तो हमें ऑर्थोफॉस्फेट मिलता है ब्लू कलर का। थैंक यू बच्चों, इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।